राजगढ़ जिले के ग्राम हराना में बीती 21 तारीख को बीजेपी नेता बाबूलाल मंडलोई और कांग्रेस नेता बाबूलाल सेन के बीच शर्त लगी थी कि केंद्र में अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो बाबूलाल सेन अपना मुंडन कराएंगे और यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो बाबूलाल मंडलोई अपना मुंडन करवाएंगे। 23 मई को आए नतीजे में पूरे देश में बीजेपी आई और एक बार फिर मोदी प्रधानमंत्री बने। अपने किए गए वादे को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता बाबूलाल सेन ने अपनी पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा दिखाते हुए मुंडन करवा लिया है और पार्टी को यह संदेश भी दिया है कि वादा ऐसे निभाया जाता है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे गठबंधन कांग्रेस की सरकार बनी तो बॉल आप बनाना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार बनाएगी। और अगर मान लो कि हमारे गठबंधन हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो मैं बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ये शर्त मंजूर है। मेरे और रामबाब मंडलोई दोनों के बीच में ये शर्त हुई थी कि अगर नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुंडन में बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ कि मुंडन में करवाऊंगा। अगर मान लो राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बने तो बाबूलाल मंडलोई मुंडन करवाएंगे। ये हम दोनों के बीच में शर्त थी। इस हिसाब से मैंने उस हार की वजह से मेरी पार्टी की पराजय की वजह से मैंने जो कहा उस हिसाब से मैंने आज मुंडन करवा लिया।